उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक कश्मीरी छात्र ने कुछ अज्ञात बदमाशों पर घातक हमला करने का आरोप लगाया है। छात्र ने कहा कि शनिवार शाम बाहरी लोगों के एक समूह ने उसकी पिटाई की। छात्रों के बीच मौखिक झड़प के बाद कश्मीरी छात्र असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कैंपस में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अतिरिक्त जिलाधिकारी मीनू राणा ने कहा कि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उनकी इस असुरक्षा की समस्या का समाधान खोजा जाएगा। हमले का आरोप लगाने वाले कश्मीरी छात्र की पहचान जिब्रान के रूप में हुई है। 25 दिसंबर हम लोग मैं 25 दिसंबर की रात 24 और 25 की रात 2 बजे मैं अपने रूम पे लाइब्रेरी से आके सोने जा रहा था, तो बाहर बैडमिंटन कोर्ट और रेजिडेंशियल हॉस्टल है हमारा, वहाँ हमें रिहाइश दी गई है, आप वहाँ उस रूम में रहिए। तो हमें उसमें बाहर बहुत सारे पता नहीं कौन लोग खेल रहे थे, तो वो बहुत शोर कर रहे थे, गाली गलौज। तो मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट किया कि भाई अब चले जाइए, कल आइए, तो नहीं गए। दूसरी बार भी मैंने बोला कि भाई चले जाइए, तो वहाँ से वो मुझे गाली देने लगे और मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया। तो मैं जैसे तैसे बहुत पीटा मुझे, जैसे तैसे पूरी वहाँ पे हॉस्टल के रहने वाले वो सब देख रहे थे, कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो जैसे तैसे मैं वहाँ से उठ के ज़मीन से पूरा मैं अपने रूम पे चला गया भाग के अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इतनी देर में 100 लोगों को इकट्ठा करके कॉल वॉल करके अपने लोगों को इकट्ठा, गुंडे थे वो, बिल्कुल कट्टे तमंचे लेके चाकू छुरी लेके मेरे रूम पे अटैक किया और गेट तोड़ने लगे। बाहर नेट का गेट लगा हुआ है, फिर वुडन वो भी तोड़ने लगे, फिर मेरे रूम में जान को खतरा है हमसे। उस रात जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो बोला जा रहा था कि आप लोग टेररिस्ट हैं, आप लोग चले जाए यहाँ से, एक एक को गोली मार देंगे, तो आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे। तो हमने इसके लिए प्रोटेस्ट निकाला था कल सेंटिनरी गेट पे, तो वहाँ पे हमसे यही बोला गया कि